हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 - 4x2। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट है कि अगर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लें कि हमारे पास दिया क्या गया है। तो है गिवन दैट, गिवन है हमें एक इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 - 4x2। अब हम इस इक्वेशन को इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आगे सिर्फ कांस्टेंट चाहिए हमें और पीछे ओनली हमें वेरिएबल यानी कि एक्स चाहिए। यहाँ किसके साथ कौन आ रहा है, 4, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लेंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ से हम अगर 9 - 4x2 यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, अंडर रूट 4 से, तो यहाँ पे ये किससे डिवाइड हो जाएगा, अगेन अंडर रूट 4, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 4। तो एज इट इज बाहर डी एक्स भी एज इट इज और अंडर रूट भी एज इट, यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन 4 माइनस, यहाँ इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ही इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू भी रख लेते हैं हम सीधा 1 अपॉन अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डी एक्स भी एज इट इज, और ये अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और दोनों को मिला के लिए हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए इज इक्वल टू है तो है हमारा 3/2 और एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 - 4x2 का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2, तो एज इट इज़ रहेगा। और अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि 2x/3 प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।